वीरवार को जननायक जनता पार्टी ने अपना जनसेवा पत्र जारी किया, जिसमें उन्होंने कई लुभावने वादे सामने रखे। जहां बीजेपी और कांग्रेस ने रोजगार को लेकर कई वादे किए, वहीं जजपा ने भी अपने जनसेवा पत्र में 75% रोजगार देने का वादा किया। वहीं दूसरी तरफ पत्रकारों के लिए भी चैम्बर बनाने का वादा किया। बहुत सी परिस्थितियां जो आपके सामने भी आई, प्रेस के माध्यम से भी, हरियाणा प्रदेश, आपने भी इन बातों को उठाया। 3 बार प्रदेश पिछले 2-3 साल में जला, 80 युवाओं को अपने जीवन से हाथ धोने पड़े। और जहां आपसी भाईचारे के सौहार्द की वजह से प्रदेश को तरक्की के रास्ते पर जाना चाहिए था, वहां सामाजिक ताने बाने के छिन्न हो जाने से जहां प्रदेश की तरक्की में बाधा आई है, वहां आपसी भाईचारे को में भी कुछ कटुता के चिन्ह दिखाई दिए। हमारे इस घोषणा पत्र के मुखिया के रूप में डॉक्टर अभय सिंह जी मौर्य हमारे इस घोषणा पत्र कमेटी के इंचार्ज थे। डॉक्टर अभय सिंह आर्य, अभय सिंह मौर्य हैदराबाद में स्थित सेंट्रल यूनिवर्सिटी के फाउंडर वाइस चांसलर हैं और अनेक जगह देश और विदेश में एक शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ख्याति इन्होंने प्राप्त की है। और रिटायर्ड लाइफ में ये सब जगह से जब रिटायर हो गए, उसके बाद अपनी सेवाएं 40 साल तक शिक्षा के क्षेत्र में देव सेवाएं देने के उपरांत इन्होंने जननायक जनता पार्टी को ज्वाइन किया। और इनकी सेवाओं का जो शिक्षा के क्षेत्र में अनेक उपलब्धियां इनके नाम पर लिखी गई हैं, इन्होंने जननायक जनता पार्टी में आकर के हमारे इस घोषणा पत्र को तैयार करने में अहम भूमिका निभाई। की समस्याओं के समाधान हेतु जो हमने संकल्प लिए हैं, उसमें रोजगार मेरा अधिकार कानून हम बनाएंगे, जिसमें 75% नौकरी हरियाणा प्रदेश के युवाओं के लिए होंगी। वृद्धावस्था पेंशन 5100 रुपये प्रति माह दी जाएगी और महिलाओं को 55 वर्ष की उम्र में और पुरुषों को 58 साल की उम्र में ये पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी। फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य का एक कानून बनाया जाएगा और ताकि फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य पर जरूर बिके और उसके ऊपर हम 100 रुपये प्रति क्विंटल बोनस देने का काम करेंगे। जो प्रतियोगी परीक्षाएं आजकल होती हैं, वो इस समय दूसरे जिलों में कैंडिडेट को भेजते हैं। 200-300 किलोमीटर हर कैंडिडेट को सफर करना पड़ता है। ये परीक्षाएं गृह जिलों में आयोजित की जाएंगी और इसकी फीस सालाना केवल 1 बार 100 रुपये ली जाएगी। उसके बाद सारा साल प्रतियोगी कितनी बार भी परीक्षाओं के लिए अप्लीकेशन डालेगा, उसके साथ फीस दोबारा नहीं भरनी पड़ेगी। सरपंच को मानदेय 8000 रुपये, पंच को 3000 रुपये, पंचायत समिति के सदस्य को 4000 रुपये, जिला परिषद का 10000 रुपये और पंचायत नंबरदार को, पंचायत गांव के नंबरदार को 5000 रुपये मासिक भत्ता देने का काम करेंगे। कैंसर और काला पीलिया से पीड़ित जानलेवा बीमारियों का मुफ्त इलाज करवाया जाएगा। हर 20 किलोमीटर पर मोबाइल डिस्पेंसरी खोली जाएंगी। गांव में शराब के ठेके बंद किए जाएंगे। ग्रामीण बच्चों की प्रतियोगी परीक्षाओं में 10 अतिरिक्त अंक ग्रामीण बच्चों को दिए जाएंगे। कर्मचारियों की पुरानी पेंशन स्कीम बहाल की जाएगी और पंजाब के समान वेतन दिया जाएगा। मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन करके चलान की दरों को कम किया जाएगा। किसानों और छोटे दुकानदारों का सहकारी बैंकों का ऋण माफ किया जाएगा। जमीन की नीलामी नहीं होने दी जाएगी। संत रविदास का भव्य मंदिर बनाया जाएगा। इसके अतिरिक्त कुछ बातें मैं आपके आपके आपसे संबंधित भी हमने कुछ बातें तय की हैं।
पत्रकारों को सभी शहरों में चैंबर, जिस तरह से वकीलों के चैंबर दिए गए हैं, इस तरह से सरकारी तौर के ऊपर चैंबर बना करके पत्रकारों को चैंबर दिए जाएंगे, मुफ्त इलाज की सुविधा होगी, सस्ते मकान दिए जाएंगे, ये सब बातें भी हम आपके बीच में लेकर के आए हैं। सेक्टरों में अनाउंसमेंट पर, अनाउंसमेंट का बोझ मकान मालिक पर नहीं डाला जाएगा। लड़कियों के लिए पहली से पीएचडी तक की शिक्षा मुफ्त दी जाएगी। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थप्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।